गाइस अभी भी अंधेरे होने में 4 से 5 मिनट हैं, ठीक है। तो हम दादू बाईपास पहुँचे, ये सेंट्रल जेल है दादू का, लेफ्ट साइड से। प्रोग्राम तो था गाइस 3 महीने का, लेकिन नहीं चला क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो काफ़ी चलाने में ज़रा मसला होता है, बाइक राइडिंग करने में, बाइक राइड करने में ज़रा होता है थोड़ी दुश्वारी। लेकिन देखते हैं अगर कहीं पानी की तलब होती तो फिर वहाँ हम बस स्टॉप करेंगे, फिर 5 मिनट की देख लेंगे 5 से 10 मिनट की। तो मेरी बोतल में जो है जो पानी पड़ा फटो फटो फट चुका है। तकरीबन ये हम कर चुके हैं गाइस 192 किलोमीटर तक राइड हैदराबाद सिटी से लेके दादू तक, दादू बाईपास तक। ये दादू का पब्लिक स्कूल है राइट साइड पे। जब हम गोरख गए थे गाइस तो पेट्रोल पंप के सामने एक लेफ्ट साइड में मेरे एक आएगी रोड, यहाँ से हम गए थे गोरख, 93 किलोमीटर दूर है, मैंने ऊपर आई बटन दिया है वो अभी आप गोरख सिटी ज़रूर देखिएगा। और सिटी का रास्ता ये रहा है जो शहीद बेनजीद भुट्टो, शहीद रानी बेनजीद भुट्टो गेट। राइट आई थिंक अभी मतलब मैंने पीछे गलत गेस किया था, अब शायद 4-5 मिनट के बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। अभी शायद मैं एयरपोर्ट नाथन शाह पहुँचने वाला हूँ शायद। और यहाँ पे मैं पानी की रेस्ट देख लेता हूँ, 5-6 मिनट लेता हूँ यहाँ पे। चाय की तरफ गए कि नहीं, हालांकि प्रोग्राम चाय का दादू में था लेकिन नहीं, मैंने अलग गर्मी की वजह से दिल्ली नहीं कहा। आज 23 जून है ना, आई थिंक 2023, आप समझ सकते हैं सिंध में सन कितने वैसे ही गर्म होता है जून के महीने में। तो फिलहाल शायद थोड़ा सा आगे है कैर बनादन का जाने वाला होगा। तो आज हमने सर पानी पिया 2 गिलास और क्या दुकानदार असल में कहीं गया भाई, किसी और को बिठा गया हुआ है, और कोल्ड ड्रिंक भी शायद इसके पास अगर होगी तो गर्म। बस 1 से 2 मिनट सांस लिया काफ़ी है। ओहो अच्छा होना, चश्मा देख लिया चश्मा, शिट यार। चश्मे को ग्लासेस को जरा थोड़ा लगी है, शूज पूरा उसका टेढ़ा हो गया है, इसका फ्रेम जरा ओपनी के घर जाके सही हो जाए। गाइस अभी मैं खैरपुर नाथन शाह बाईपास पहुंचा हूं, और आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और बाइक चला रहे हैं, मसला भी हो रहा है, मतलब 60-65 यही स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ फिलहाल। अभी और भी है तकरीबन 75 या 80 किलोमीटर है अभी भी मंजिल। गाइस शुक्र है अभी हम मेहर बाईपास पहुँचे हैं,
के मेहर बाईपास है या कोई छोटा सा गांव है? आई थिंक मेहर बाईपास थोड़ा सॉरी थोड़ा सा आगे है, इससे पहले एक छोटा सा गांव आता है वो वाला है ये गांव। गाइस बेयर बाईपास पहुंच गए फाइनली, अब जाके पहुंचे हैं। और दोबारा थकावट हो रही है गाइस, ब्रेक लेते हैं कहीं पर। तो भाई सामने मेहर जी छः सात मिनट गाइस यहाँ ब्रेक ली मैंने, पानी पिया है। वैसे दो मिनट का आराम है, बैठ बैठ के थक चुका था। 8:30 बजे हैं अभी, 4 घंटे हमें लगे हैं और 253 किलोमीटर हम कर चुके हैं और आई थिंक 70 किलोमीटर और भी है। ये मेहर की शॉप आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर जो मेहर का मावा जो है काफ़ी मशहूर है मेहर का। तो थोड़ा ही सफ़र बचा है गाइस, साठ सत्तर किलोमीटर ही बचे हैं खाली। तो मसला ये है कि अंधेरा होते पर तो स्पीड थोड़ी होगी रिड्यूस, शायद अभी हम मेहर टूल प्लाजा पहुंचे हुए हैं अभी, मेरे ख्याल से हार्डली 55 या 60 किलोमीटर दूर कारखाना हार्डली। और मैं अगर रीडिंग देखूं एक मिनट तो 265 किलोमीटर हम राइड कर चुके हैं गाइस, 206 घर से लेके यहाँ तक एग्जैक्टली। फिलहाल हम नसीरा बाईपास पहुंचे हैं अभी, 30-35 किलोमीटर ही दूर है लड़काना भी हमसे। नसीराबाद नसीरा बाईपास है वो सिटी का गाइस, रास्ता इस साइड से नहीं है, रास्ता निकलेगा रोड ये इस साइड से रास्ता है नसीराबाद सिटी का। ये बिग ट्रैक है, यहाँ से सिटी का रास्ता यहाँ लेफ्ट साइड से, लेकिन ये सारा बाईपास है, लेकिन बाईपास बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि सिटी है।
तो आप देख सकते हैं गाइस कि आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि हम बाईपास में, आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि हम सिटी में हैं। फिलहाल मैं 80-85 की स्पीड चला रहा हूँ गाड़ी बाइक, मतलब इससे मेरी सही नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि इसके आगे एक मेरा कार है, सारी लाइट और उसकी लाइट विजिबिलिटी मुझे सही नज़र आ रही है। ट्रक मेरी जो स्पीड है 85 की स्पीड है। होपफुली कि ये जो मेरान कार है ये लालखाने तक जाए, किसी तरीके से मुझे विजिबिलिटी सही नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये कि आगे से गाड़ियाँ भी नहीं कम आ रही हैं। अच्छा, आगे से गाड़ियाँ जो आती हैं जिनकी लाइटिंग ज़्यादा होती है तो फिर वो मतलब मसला करती हैं, दिखने में मसला होता है। गाइस आई थिंक मैं बगन बल्कि हाँ बगन बाईपास पहुँचा हूँ, लिखा हुआ है वगन बाईपास। अच्छा, ये मेरा चली गई गाइस, वगन सिटी में जाएगी है। चले अभी थोड़ा ही सफ़र बचा है, 18 किलोमीटर बचे हैं खाली। लाइटिंग वाला आप देख सकते होंगे, ये हमारा प्यारा सा लड़काना, यहाँ से हम अभी टर्न करेंगे राइट साइड पे। खैर फिलहाल तो अभी तक हम बाईपास पे हैं, 2-3 किलोमीटर के बाद सिटी आ जाएगा। देख सकते हैं कैसे कितने शौकीन है होटलिंग के हमारे लड़काना के लोग। गाइस ये लाड़काना का जो है गेट है, गेट जैसे हम एंटर करेंगे तो सिटी में हम एंटर हो जाएंगे। तो रौनक तो और भी अंदर है, लेकिन ये मतलब गेट है लाड़काना का। यहाँ पे नई सोसाइटीज बनी है, बन रही है, यहाँ पे आबादी जो है आगे ज्यादा आबादी। गाइस इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की आपकी इंटरेस्टिंग गाइड में आपके ये लेके आ सकूँ, आपका साथ होगा और तभी मैं ये सफर जारी रख सकूँगा। और 318 किलोमीटर हम कर चुके हैं गाइस अब तक राइट, हमारे कल 9:30 तो बच चुके होंगे। ये गाइस पीटीएस का एरिया है, बसेस यहाँ से जाती है कराची से, कराची के लिए अक्सर मैं यहीं से ही बैठता हूँ जब मैं हैदराबाद जाता हूँ। तो एक तो हैदराबाद की गाड़ी होती है, एक तो ज़्यादातर जो दो गाड़ियाँ हैदराबाद की, बाकी जो गाड़ियाँ होती हैं गाइस जैसे वो जामछड़ में उतारती है। जो हैदराबाद की गाड़ियाँ हैं वो मेरे ख्याल से 5:00 और 6:00, एक 3:00 वाली भी अलमदीना। मैं अगर कभी कभी अगर हैदराबाद वाली गाड़ी में जाता हूँ तो वो 5 होती है या 6 होती है। गाइस मैं अभी पहुंचा हूं गजनपुर चौक और अभी हम राइड कर चुके हैं 324 किलोमीटर और अचानक से इस बंदे ने ब्रेक लगाई। खैर हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि आगे वाला जैसे ब्रेक लगाए तो हम कंट्रोल कर पाएं।
अच्छा मैं इसी साइड रहता हूँ, गजनपुर चौक साइड गाइस। तो 324 किलोमीटर की हमने फ्लाइट की है, लेकिन आई होप आप लोगों ने ये मेरे जो सोलो राइड थी आपने एंजॉय की होगी। मुझे नहीं पता मुझे कितने पार्ट मेरे बने हैं, तो बस मैं आपसे यही चाहूँगा कि एक ही रिक्वेस्ट है गाइस कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, ताकि इस तरह की राइड में और कर सकूँ। तो गाइस मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, और अभी तो मैं काफ़ी थक चुका हूँ गाइस, आज गर्मी की वजह से काफ़ी थक चुका हूँ। जाओ जाओ भाई जाओ जाओ। तो यहाँ पे राइड करना भी काफ़ी मुश्किल है। बहरहाल मैं अभी आपसे जाऊँगा, इजाज़त, अपना ख्याल कीजिएगा, बाय बाय गाइस।